हिमाचल के शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां जारी रखने का प्रस्ताव। हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां जारी रखने का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को भेज दिया है। संभावित है कि मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद बुधवार को शिक्षा विभाग शैक्षणिक संस्थानों को इस माह भी बंद रखने की अधिसूचना जारी करेगा। हिमाचल में 30 जून तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने पर सरकार बुधवार को फैसला लेगी। प्रदेश के कॉलेजों में 10 जून तक दी गई छुट्टियां बुधवार को समाप्त हो रही हैं। ऐसे में सरकार को बुधवार को ही कॉलेजों को लेकर आगामी फैसला लेना पड़ेगा। स्कूलों में 15 जून तक छुट्टियां हैं। केंद्र सरकार अभी देश में स्कूलों को खोलने के हक में नहीं है। सभी राज्यों से इस बाबत चर्चा की जा रही है। हिमाचल सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम होने पर ही स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। ऐसे में यह तय है कि जून में भी प्रदेश में शिक्षण संस्थान बंद ही रहेंगे। स्कूलों में छुट्टियां रहने की स्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद रहेगी। इन छुट्टियों को आगामी दिनों में समाहित कर शिक्षा विभाग शैक्षणिक दिवस पूरा करेगा। नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। HRTC में रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। रू गोविंद। हिमाचल में एक सप्ताह के भीतर परिवहन निगम को 5 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता पर वित्तीय बोझ न पड़े, इसके चलते हिमाचल में बस किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। सोमवार को परिवहन विभाग व निगम के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से COVID-19 महामारी के दृष्टिगत उत्पन्न हुई इस विकट स्थिति में निगम के साथ साथ निजी ऑपरेटर भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। हिमाचल में स्कूल खोलने से पहले करीब 10 करोड़ की राशि खर्च कर विद्यार्थियों का तापमान जांचने को थर्मल स्कैनर खरीदे जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत खरीदारी करने की मंजूरी दी है। राज्य सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने थर्मल स्कैनर की जरूरत का मामला उठाया। इस पर केंद्रीय मंत्रालय के सचिव ने बीते दिनों समग्र शिक्षा अभियान के तहत जारी हुए बजट की राशि का इसके लिए प्रयोग करने की मंजूरी दी। सोमवार को केंद्रीय मंत्रालय ने स्कूलों को खोलने के समय बरते जाने वाले एहतियात को लेकर सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों व निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय सचिव ने स्कूल खुलने पर बच्चों के लिए बीच शारीरिक दूरी बनाने, हैंड सैनिटाइज करने, थर्मल स्क्रीनिंग करने सहित अन्य एहतियात के तरीकों को लेकर प्रस्तुति दी। राज्यों को और अधिक सुरक्षा अपनाए जाने को लेकर शुक्रवार तक लिखित में सुझाव देने को भी कहा। प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए केंद्र की गाइडलाइन का प्रदेश में पालन किया जाएगा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जम्वाल भी मौजूद रहे। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परिणाम निकाला। 23 लड़कियों ने टॉप 10 में बनाई जगह। एक तनु 98.71%, दो क्षितिज शर्मा 98.57%, तीन वंश गुप्ता 98.43%, तीन शगुन राणा 98.43%, तीन अनीशा शर्मा 98.43%, चार शिशिपाल 98.29%, पांच लैला 98.14%, पांच निशा 98.14%, पांच वंशिका 98.14%, पांच शगुन शर्मा 98.14%, पांच करुण कुमार 98.14%। शिमला में SDM को एक युवती ने दी धमकी। एक रेस्टोरेंट में निरीक्षण के दौरान लोगों को कोरोना पर जागरूक करने पहुंची थी अधिकारी। राजधानी शिमला में एक युवती की दबंगई का मामला सामने आया है। एक रेस्टोरेंट में बैठी युवती को जब SDM ने कोरोना को लेकर जारी सरकार के निर्देशों के बारे में बताया तो वह उल्टे अधिकारी पर ही बरस पड़ी। युवती ने अधिकारी को कहा कि शाम तक उन्हें बता चल जाएगा कि वह किस फैमिली से है। इतना ही नहीं, धमकी देने के बाद युवती ने उपायुक्त शिमला को शिकायत पत्र भी भेज दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार को यह वाकया उस समय पेश आया जब SDM शिमला शहरी नीरज चांदला शहर के रेस्टोरेंट्स के निरीक्षण पर थी। SDM नीरज चांदला ने बताया